अलमारी में रख और संभल के रखना, तेरे बाप के घर से नहीं आया है, मेरे बेटे की कमाई का है, समझे? अरे जब से वैशु उस घर में आई है ना, घर के सारे लोग सिर्फ उसी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। और वो विनोद की आई, वो तो मुझसे ये एक्सपेक्ट करती है कि मैं दिन भर उसकी सेवा करती रहूं। मुझसे कहती है मंजू वैशु की पसंद का खाना बनाकर उसे खिला ना, मंजू वैशु का कमरा साफ कर देना। अरे आई मैं क्यों करूँ ये सब, वो तो अपनी किस्मत का भुगत रही है, लेकिन मैं क्यों भुगतूं? हमें क्या करना है, कैसे करना है तू अच्छी तरह जानती है। कौन सी नस दबाकर कहाँ पहुँचना है ये तो तुझे पता ही है ना, तो तू उसी पर कॉन्सेंट्रेट करना। हाँ हमारी शान कामयाब हो गई, बड़ा मजा आएगा। मेरा बेवड़ा पति सही सची कहता है, सविता तेरी तो गारंटी खत्म हो गई है, कुछ याद नहीं रहता तुझे। टिकेट? हाँ। अरे माझा कर्मा, टिकट लेना तुम्हें भूली गई, वहाँ प्लेटफॉर्म पर ठीक यही बात मुझे याद नहीं आ रही थी। आपका टिकट दिखाइए ना। दादा मैं ना टिकट निकालना भूल गई। शक्ल से मैं आपको बुद्धू दिखाई देता हूँ क्या? नहीं दादा, क्या हो गया आजकल ना छोटी मोटी चीजें ना भूलने लगी। अच्छा सुबह आपने नाश्ता किया है? हाँ। तो फिर टिकट लेना कैसे भूल गई? अगर आप सीधे तरीके से मेरी बात नहीं मानेंगी तो मेरे पास और भी रास्ते हैं, मुझे वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करेगा? 10 रुपए के बदले में 250 रुपए रहता है, गरीबों की लूट करता है। अरे गरीबों के हाई खाकर पैसा मत कमाओ, कभी जिंदगी में सुखी नहीं होगा, ध्यान में रख। क्या बकवास कर रही हैं आप, स्टेशन आने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आई चलिए चलिए, थाने स्टेशन आ गया, अब उतरना है आपको, पेनल्टी देना, चलिए चलिए। अरे बाबा तुम जुर्माना दे रही हो कि भेज दूं तुम्हें जेल की हवा खाने के लिए। तुम कौन है मुझे जेल में लेके जाना, देखती हूँ ना मैं। अरे तुम तो क्या, तुम्हारी 10 पुश्तें भी जेल जाएंगी। अरे और आप कौन है जनाब? सर मैं का बेटा, मेरी आई। अच्छा सुनो मेरे भाई साहब, ये आदमी झूठ बोल रहे हैं। अरे इनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं और मैं किसी से मदद लेना नहीं चाहती। काले कोट वाले मुझे लेके चलो ना जेल में। सुनो ना भाई साहब, मुझे लेके चलो ना, नहीं तो तुम ही बोलोगे मैंने इनकार कर दिया। लेके चलो ना मुझे, चलो चलो। बस इतना बता दीजिए लोग कहाँ लेके गए? माझीवाड़ा पुलिस स्टेशन लेकर गए। बड़े ताव से कह दिया मैंने कि जेल में चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ रहना आसान नहीं है। नहीं, मैं वैशाली की गुनहगार हूँ, मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा उसे, इतनी खुदकश कैसे बन सकती हूँ? वरुण के साथ न्याय करने के चक्कर में मैं वैशाली के बच्चे के साथ अन्याय कैसे कर सकती हूँ? तू नहीं आ रहा अंदर? नहीं बाबा, अगर मैं जाऊँगा ना तो आई मुझे देख के फिर से तमाशा करेगी। आप जाइए और उनको बताइएगा मत कि मैं आपके साथ आया। सविता यहाँ क्या गार्डन में घूमने आए हो कि बिना पीछे अंदर घुसे जा रहे हो? क्या काम है? अरे वो जो औरत है ना, हाँ वो मेरी बीवी है। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? हाँ इस औरत को भी मानना जरूरी है कि तुम इसके पति हो ना। मतलब? एक मिनट, मतलब ये है कि ये औरत पूरी पूरी पागल है, कि आज कुछ घंटे पहले ही स्टेशन पे एक आदमी आया था, वो कह रहा था कि मैं इसका बेटा हूँ, वो फाइन भी भर रहा था लेकिन इसे मानने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि पैसे भी नहीं लिए। ओ ये आदमी तुम्हारा पति है? चलो यार कमाल है, कम से कम पहचान तो ली। ये ले।